स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में, यानी कि बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, और उनके द्वारा जो भी आंदोलन चलाए गए हैं उनकी एक झलक देखेंगे। और उसके बाद ये पार्ट वन है महात्मा गांधी जी के बारे में, और पार्ट टू पार्ट थ्री तीन पार्ट बनाऊंगा, उन सभी में आपको इनके जितने भी आंदोलन हैं इनके बारे में रोचक तथ्य, इनकी कविताएं, कहानियां सब आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो के एंड तक कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम स्वतंत्र भारत के बारे में कल्पना करते हैं तो हमारे सामने बहुत से सेनानियों का, बहुत से लोगों का नाम सामने आता है, लेकिन अगर हम अपने अंतर दिल से पूछें कि ऐसा कौन सा बंदा था, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने गरीब लोगों के मन में, अनपढ़ लोगों के मन में एक आज़ादी को लेकर जो जज्बा था उसको उसमें मतलब चिंगारी दी है, उसे उस व्यक्ति के दिल में जगाया है, वो कौन सा व्यक्ति था, तो आप पाएंगे कि वो महात्मा गांधी जी ही थे। तो आज की इस वीडियो में महात्मा गांधी जी के बारे में ही जानने वाले हैं। तो चलिए महात्मा गांधी जी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जानते हैं महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। देखिए याद करना कितना आसान है, गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी और उनके पिता का नाम मोहनदास हटा दीजिए, केवल करमचंद गांधी। उसके बाद आता है इनकी माता का नाम। माता का नाम तो बहुत ही लोगों को कम पता होगा, इनकी माता का नाम है पुतली बाई जी। इनकी माता का नाम पुतली बाई है, और उनका जन्म दिनांक यानी कि इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1869। इसीलिए दोस्तों भारत में 2 अक्टूबर की हमेशा छुट्टी रहती है, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। उसके बाद आता है इनका जन्म स्थान का था। तो जन्म स्थान इनका गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और ये जो है ये भारतीय थे, और इन्होंने बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त की थी, और इनकी जो शादी है जब ये 13 वर्ष के थे गांधी जी, तब इनकी शादी 14 वर्ष की कस्तूरबा माखनजी कपड़िया यानी कस्तूरबा गांधी से कर दी गई। कस्तूरबा गांधी इनका नाम महात्मा गांधी जी से शादी करने के बाद पड़ा था, ठीक है। कुछ सालों बाद 2-3 साल के बाद इनके कुछ पुत्र हुए, जिनके 4 पुत्र थे, जिनमें से इनका पहला नाम था हरिलाल, दूसरे का नाम मणिलाल, तीसरे का नाम रामदास और चौथे का नाम देवदास। तो देखिए याद करना कितना आसान है, आपको क्या याद करना है, पहले 2 बच्चों का नाम हरिलाल और मणिलाल आपको याद कर लेना है, हरी मणि यानी कि मणि जो है वो हरी है, तो हरिलाल और मणिलाल। वैसे ही आपको रामदेव जैसे याद करने, योगी आदित्यनाथ जैसे हैं, तो रामदेव याद कर लीजिए, रामदास और देवदास, तो इस तरह से आपको ये संतान उनकी याद हो जाएगी। उसके बाद इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को, और किसने मारी थी गोली, नाथूराम गोडसे ने, और क्यों मारी थी उसके ऊपर आपको एक अलग सी वीडियो बना के दे दूँगा, आपको पता चल जाएगा। तो महात्मा गांधी जी के बारे में ऊपर ऊपर से जो नॉलेज थी वो यहीं तक थी, ठीक है। तो ये तो थे उनके जीवन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब चलते हैं इन्होंने मुख्यतः कौन कौन से आंदोलन चलाए हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी थे, क्षेत्रीय स्तर पर भी थे। तो चलिए इन आंदोलन को देख लेते हैं। उन आंदोलनों में सबसे पहला नाम आता है चंपारण सत्याग्रह का। दोस्तों इन सभी आंदोलनों के ऊपर मैं अलग अलग वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि आपको इन सभी आंदोलन को अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहला आंदोलन है हमारा चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह 1917 में ही चलाए गए, यानी कि दोनों एक ही साल में चलाए गए थे, और ये दोनों क्षेत्रीय स्तर के थे यानी कि राज्य स्तर के थे, ये राष्ट्रीय स्तर के नहीं थे। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी राष्ट्रीय स्तर का नहीं था, ये भी क्षेत्रीय स्तर का था, जो कि 1918 में चलाया गया। बाकी के जो 3 आंदोलन हैं, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन यानी कि सत्याग्रह आंदोलन, या फिर कहें दांडी यात्रा, और छठा है भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय स्तर तक के रहे। इन लोगों मतलब इन आंदोलनों में जो भारत ने ब्रिटिशों को यह मतलब जो आंदोलनकारी थे उन्होंने ब्रिटिशों को यह एहसास दिला दिया कि हाँ भाई अब तुम्हारा इस देश में राज नहीं चल सकता है, अब तुम्हें ये छोड़ के जाना पड़ेगा। तो चौथा है असहयोग आंदोलन जो कि 1929 में चलाया गया, और नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया। इन सभी आंदोलन के ऊपर जो भी ये 6 आंदोलन हैं इन्हीं के ऊपर अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए।
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की थी महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में और उनके जितने भी आंदोलन चलाए गए उन सभी के बारे में। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। और अधिक से अधिक वीडियोस पाने के लिए और गांधी जी के बारे में और भी अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रेस द बेल आइकन। और चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।